सेशंस कोर्ट से जो मिल रही है खबर है आर्यन खान से जुड़ी हुई। ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किए आर्यन खान को। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आर्यन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत याचिका ये मंजूर नहीं की गई है। तो यही सबसे बड़ी खबर फिलहाल मुंबई से आ रही है और खासकर मुंबई के सेशंस कोर्ट से आ रही है। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और 14 अक्टूबर को जमानत याचिका सेशंस कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई भी हुई और ये फैसला 14 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था मुंबई की सेशंस कोर्ट में। और 20 अक्टूबर को यानी आज दोपहर को तकरीबन 2:45 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला आया। ये फैसला एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से राहत आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में फिलहाल मिलती नज़र नहीं आ रही। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका ये खारिज कर दी है। आर्यन खान को ड्रग्स के सिलसिले में जमानत देने से मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जमानत याचिका खारिज करने के पीछे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स पर आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द की गई, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट फिलहाल कोर्ट में बताया है और इस पूरे मामले में जो डिटेल ऑर्डर है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया, ये कुछ ही मिनटों में पता चलेगा, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज 2:45 बजे जब सेशंस कोर्ट में वापस से सुनवाई शुरू हुई तो सेशंस कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि आर्यन खान के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और तीसरी आरोपी मुनमुन धमीचा, इन तीनों की जमानत अर्जी ठुकराई जाती है, इन तीनों की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। लेकिन इन तीनों की जमानत अर्जी खारिज करने के पीछे कौन से ग्राउंड्स है, ये फिलहाल सेशंस कोर्ट की तरफ से जो डिटेल फैसला है वो नहीं आया है, लिहाजा ये ग्राउंड्स फिलहाल पता नहीं चल सकेंगे। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर डिटेल ऑर्डर आ जाएगी ये पता चलेगा कि कौन से मुद्दों पर मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत देने से आर्यन खान को इनकार कर दिया है। हमें पता है कि इस पूरे मामले को लेकर जब 14 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई हुई थी तभी आर्यन खान के वकीलों ने आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिला, ये दलीलें कोर्ट में पेश की थी। आर्यन खान किसी भी बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, ये भी कहा गया। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अहम मुद्दा जो बार बार कोर्ट के सामने उठाया वो था व्हाट्सएप चैट का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना था कि इन आरोपियों के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स से जुड़े कई तार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में लगे हैं, लिहाजा इसकी तफ्तीश आगे भी चल रही है और ये तफ्तीश शुरू होने की वजह से ये जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना था। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला आया है उस फैसले से आर्यन खान को किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब आर्यन खान के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, वो है मुंबई की हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर करे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए, नामंजूर करते हुए जो डिटेल ऑर्डर कॉपी आई है वो फिलहाल ऑर्डर कॉपी नहीं मिलने की वजह से हाईकोर्ट में जब ये सेशंस कोर्ट की ऑर्डर कॉपी हाथ में आएगी तभी आर्यन खान के वकील अपील कर सकेंगे। आने वाले 10 दिनों में मुंबई की हाईकोर्ट ये दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद रहेगी, लिहाजा अगर आने वाले 10 दिनों में आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आर्यन खान को दिवाली भी मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही गुजारनी पड़ सकती है। हमें पता है कि 2 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद पहले 5 दिन आर्यन खान और बाकी सभी आरोपी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में थे, जिसके बाद उन्हें 7 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट की कस्टडी में भेजा गया और उसके बाद तुरंत ही आर्यन खान के वकीलों की तरफ से मुंबई की सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी
और ये जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जो अहम मुद्दे रखे गए उसमें ये अहम मुद्दा था कि इस पूरे मामले में जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हमें ढूंढना है। आर्यन खान एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पार्ट है और लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर हमें तफ्तीश आगे बढ़ानी है। इसीलिए इस जमानत अर्जी का विरोध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था। तो कहीं ना कहीं अभी हमें इस पूरे मामले को लेकर जो डिटेल ऑर्डर है वो अभी बीबीसी हिंदी के हाथ में नहीं आया। ये ऑर्डर अभी वकीलों को भी नहीं मिला है। जैसे ही ये ऑर्डर बाहर आता है सबसे अहम मुद्दे कोर्ट ने ये जमानत याचिका नामंजूर करते हुए जो कहे होंगे उन्हें पढ़ना, उन्हें ध्यान देना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती के मामले में भी सेशंस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट में ही रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल पाई थी, क्योंकि आर्यन खान पर सबसे बड़ा जो फिलहाल आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाया है, इस पूरे केस को लगाया है, वो है ड्रग्स की खरीद फरोख्त का। और लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी का कहना है कि ये आरोपी एक ही है, ये आरोपी कोई अलग अलग नहीं, ये सारे आरोपी एक ही संगठन का हिस्सा है, ये सारे सिंडिकेट का हिस्सा है। लिहाजा आप हर एक आरोपी को अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते। ये दलील नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से की गई थी। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी खबर आई वो यही है कि आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार करने के बाद किसी भी तरह की राहत आर्यन खान को मुंबई की सेशंस अदालत से मिलती नजर नहीं आ रही और इन दिनों आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही